नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। झारखंड कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर एक बैठक रखी गई। कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर लोगों को पार्टी से जोड़ रहे हैं। ऑनलाइन सदस्यता के जरिए कांग्रेसी दिग्गज लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज 25 तारीख से पूरे प्रदेश में हमारे प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी के निर्देश पर, उन्होंने एक सुझाव दिया था कि 25 तारीख को से डिजिटल की जो ट्रेनिंग है पूरी हो जाए, हर ज़िले में बैठक हो, और वो बैठक की गई है आज। और 27 तारीख को हम लोग पूरे प्रदेश में जो महत्वपूर्ण लोग हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, वो पार्टी से घर घर जाके जोड़ने का काम भी शुरू करेंगे। वैसे लगातार सदस्यता का अभियान जारी है, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चूँकि अभी चीफ एनरोलर लोग बने हैं, तो उन सबको लेकर के आगे बढ़ना है। हम समझते हैं कि आज पूरे प्रदेश में एक सारी बैठक हो रही है और उससे जो ट्रेनिंग मिल रही है लोगों को, उसका लाभ 27 तारीख के बाद से दिखना शुरू हो जाएगा। हमारा 15 लाख का लक्ष्य है, निश्चित रूप से हम उससे आगे तक जाएंगे। डिजिटल अगर बात करें तो डिजिटल सदस्यता चलाने के पीछे का क्या राज है? मतलब आपको देखिए, हम लोग ये समझते हैं कि डिजिटल अगर कुछ होता है तो फुल प्रूफ चीज़ें होती है, और फुल प्रूफ होने से इसका फ़ायदा ये होता है कि एक एक व्यक्ति वोटर लिस्ट से भी जुड़ा हुआ होता है, और जब कोई चुनाव का समय आता है वैसे समय में ऐसे लोगों को तक अपनी बात पहुंचाने में आसानी होती है। और कहीं ना कहीं लोगों का एक तब तक घर में किसी को कोई फोटो लेने नहीं देगा, तो उससे एक व्यक्तिगत संबंध भी बनेगा, एक आत्मीयता बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से कांग्रेस की विचारधारा से लोग जुड़ेंगे और कांग्रेस के जो लोग जाएंगे उनसे जुड़ेंगे, तो हम समझते हैं उसका लाभ व्यापक होने वाला है, इसलिए हम लोगों ने डिजिटल पर फोकस किया हुआ। सबसे बड़ी बात है कि डिजिटल सदस्यता अभियान से एक बहुत बड़ी बात होती है कि हम डायरेक्ट, और इसमें कहीं भी फर्जरी की संभावना नहीं होती है, डायरेक्ट हम उनसे 1-to-1 जुड़ते हैं। जब वो वोटर आईडी के साथ हमारे साथ मिलते हैं तो वोटर आईडी का स्क्रीन फोटो लेकर के तुरंत उसको हम सदस्य बना लेते हैं। एक तो बड़ी बात ये होती है कि बहुत सारे कांग्रेस के सदस्य हो जाते हैं, किसी पार्टी के सदस्य होते हैं, लेकिन उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता है। डिजिटल में आने के बाद ये संभावनाएँ ख़त्म हो जाती है कि कहीं से कोई फर्जरी होगा। एक बड़ी स्पष्ट बात होती है कि जो लोग संविधान के दायरे में अपने बूथ और अपने ये का वोटर हैं, उन्हीं लोगों को सदस्य बनाया जाता है। और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से इस ईमानदारी का परिचय दिया है, आपको तुलनात्मक मज़ा आएगा देखने में कि एक तरफ से मिस कॉल का आपका मेंबरशिप बनता है, वहाँ कुछ भी पता नहीं चलता है मिस कॉल मानने वाला कौन है, कहाँ का है, क्या है। हमारे यहाँ पर वोटर आईडी देख करके सदस्यता अभियान में उसको जोड़ा जाएगा, ताकि जो लोग बूथ में वोटर हैं उन्हीं लोगों को पॉलिटिकल सदस्य बनाने से आने वाला राजनीतिक, सामाजिक और जो भी है इलेक्शन में उसका फायदा होता है। तो ये डिजिटल मेंबरशिप बनाने से एक बहुत बड़ी फायदा है। आज जिला का आपने देखा, सारे प्रखंड और पंचायत के लोग आए हुए थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए हुए थे, हमारे बड़े नेता राजीव रंजन जी आए हुए थे, सुरेश बैठा जी थे, हम एज ए प्रभारी के तौर पर टाटा से आए हुए थे, और जितना प्रभावशाली ढंग से मीटिंग हुआ, देखिए अभी सुरेंद्र जी भी आ गए यहाँ से झूमते हुए। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो सदस्यता की गंभीरता आपको समझ में आ रही होगी कि प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर आए हैं, टाटा से मैं प्रभारी की हैसियत से आई हूँ, राजीव रंजन जी आए हैं, यहाँ पर हमारे सुरेंद्र जी हैं, तो सारे वरिष्ठ नेता मिलकर के प्रखंड को, पंचायत को और अपने साथियों को मोटिवेट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप बनाएं, ताकि उनके अपने प्रखंड में, अपने जिला में डेलीगेट्स के तौर पर लीडरशिप मिले। यही लोग प्रदेश का अध्यक्ष चुनते हैं, यही लोग जिला का अध्यक्ष चुनते हैं, और यही लोग देश का अध्यक्ष चुनते हैं। इसलिए ये मेंबरशिप का बहुत बड़ा लोकतंत्र में राष्ट्रीय पार्टियों के पास बहुत बड़ा महत्व होता है। आप मीडिया के साथ ही हमारे इस सदस्यता अभियान को इतना गंभीरता से लेकर उपस्थित हुए हैं, आप सारे लोगों को मैं आदर और सम्मान के साथ आपके स्वागत करता हूं कि हम लोगों के द्वारा ये मीटिंग के मैसेज को आप हजारों लोगों के बीच में, लाखों के बीच में पहुँचाएंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सदस्यता अभियान से लोग जुड़े। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।